नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक उड़ान। बिहार के लिए एक बड़ी खबर, कल 24 सितंबर को यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें बिहार के एक लाल पूरे देश में टॉप आकर अपना नाम रोशन किया है और इस देश का नाम भी रोशन कर दिया है। और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बिहारी किसी से कम नहीं, वो कहते हैं ना, एक बिहारी सौ पे भारी। कटिहार बिहार के रहने वाले शुभम कुमार इस बार यूपीएससी क्रैक कर पहले स्थान प्राप्त किए। मैं बता दूं, इस बार लगभग 10 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे, उसमें से 6 लाख छात्र अपीयर हुए और उनमें से 2500 पास हुए, जिनमें शुभम कुमार पहले स्थान पर हैं। तो बता दें कि इससे पहले भी साल 2020 में शुभम कुमार यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं और तब 290 रैंक प्राप्त किया था। उस वक्त उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी, लेकिन ठीक एक साल बाद, कहते हैं ना, जब हौसला बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और कहीं ना कहीं इस बात को शुभम कुमार ने साबित कर दिखाया। और बता दूं कि इससे पहले आईआईटी से पढ़ चुके शुभम कुमार इंजीनियर हैं और अब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर देश भर में शुभम कुमार पहला स्थान प्राप्त कर लिए हैं। यूपीएससी 2020 आईएएस टॉपर कटिहार के शुभम ने तीसरे अटेम्प्ट में किया टॉप, ईयर से बने आईएएस। यूपीएससी 2020 आईएएस टॉपर ऑल इंडिया रैंक वन टॉपर शुभम कुमार ने बताया कि उनके पिता देवानंद सिंह और उनका परिवार कटिहार में ही रहते हैं। शुभम कुमार के पिता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। शुभम फिलहाल पुणे में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिहार के आईएएस टॉपर शुभम कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट चैट में जरूर लिखें।